দেবো না আবাদে আবাদে হ্যাপি বার্থডে তো বল দে আগে ফুড হ্যাঁ Happy birthday to you. Happy birthday to you. Can you come over to the deck? Happy birthday, dear mama. 55. Happy birthday. Golden 55. To you. Us. Ale. Woo! Chala bade. Ekhane bade. Ene cream lagate hobe. Ne? কেক দেখছে খেলাও যা ভাই খাওয়া ভাইয়ের দেওয়া নতুন ড্রেস কাট করে নেবে এগুলো ব্যাট নিচে ব্যাট খেয়ে জামাটা তো লাগাচ্ছি না तो आज मेरी आम केसरिया के लिए जो चीज चाहिए वो मैं दिखा रही हूँ। सबसे पहले चाहिए आम। आम तो सीजन की शुरू है, अभी अभी मार्केट में आने लगा है, तो फिर भी जो भी हो मैं लेके तो आई हूँ। जैसा ही हो मैं बना लूंगी, टेस्टी होगा पक्का। ये हुआ है चीनी, तो ये मुझे अब ब्राउन शुगर इसमें नहीं चलेगा, इसमें मुझे सफ़ेद चीनी चाहिए। यहाँ है मेरे पास अमूल मिल्क पाउडर, आप चाहे तो यहाँ कंडेंस्ड मिल्क भी दे सकते हो जो डब्बे में आते हैं। ये मेरे पास है दूध, प्योर टोंड नहीं, फुल क्रीम, ठीक है। और काजू और किशमिश, काजू किशमिश मैं इसलिए यहाँ, आप चाहो तो काजू किशमिश की यहाँ आप पिस्ता भी दे सकते हो, पिस्ता दे सकते हो, या आपको जो जो ऐसा जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद है। तो मेरे घर में सबको काजू किशमिश पसंद है, तो मैं काजू किशमिश देती हूँ। और इस इंग्रेडिएंट्स के जो मेन है वो सबसे पहले है आम और दूसरा है केसर। तो मेरे पास बहुत सारे केसर है, मैं बेबी सैफ्रन की भी है, हमदर्द की भी है, तो मैं आज ट्राई करूँगी बेबी सैफ्रन। तो ये है सैफ्रन यानी केसर, ठीक है। ये है आज की हमारी इंग्रेडिएंट्स, और मैं अभी बनाने जा रही हूँ आम केसरिया आप सबके लिए। प्लीज देखें और टेस्ट भी करें, बनाएं अपने घर में भी, ठीक है, आम केसरिया। तो ओके, तो मैं बनाने जा रही हूँ अभी आम केसरिया। इसके लिए मुझे चाहिए सबसे पहले दूध। तो दूध को ना मैं, ये पूरे एक लीटर दूध है यहाँ, इस दूध को मैंने गर्म करूंगी, उबलते उबलते कम से कम हाफ लीटर से भी कम हो जाना चाहिए, जिसको मैं बोलती हूँ खीर मलाई जैसा एकदम प्योर बन जाएगा। उसमें मैं चीनी दूंगी और उसी दूध में ये मिल्क पाउडर घोल के ये एंड में मिला दूंगी, काजू दूंगी, चीनी दूंगी, और ये जो केसर है केसर को भी मैं गर्म दूध में घोल के डालूंगी। दूध वाला सिस्टम पूरा बन जाए उसके बाद मैं बताऊंगी आम को क्या कर सकते हैं। मैं आम के लिए आपको प्रोसेस बता रही हूँ। पहले मैं दूध वाला दूध मैं चढ़ा दूँ गैस पे, और दूध बनते बनते मैं आम का भी दिखाऊंगी। स्टेप हमको थोड़ा ज्यादा इतना काट लिया मैंने, अब आम के अंदर को ऐसे पल्प को घुमाना है, आम के अंदर ऐसे बिल्कुल बिल्कुल एंड तक जाना है, ठीक है। कुछ नहीं, बस अब कोई बारीक चीज नहीं चाहिए, आम के अंदर बिल्कुल ऐसे करके घुमाते जाएंगे। इसमें क्या होगा, जो अंदर की जो बीज है वो पूरा कटते जाएंगे पूरा, ठीक है। अगर ऐसे नहीं हो रहा तो आप इसे एक चम्मच से भी कर सकते हो। ऐसे मैं इसको करके ये अंदर से पूरा सिस्टम को बाहर निकाल लूंगी, ठीक है, सिस्टम इन द बीज को बाहर निकाल लूंगी, ठीक है। घुमाएंगे ना थोड़ा टाइम, तो ये पूरा जो है हल्का सा घुमाते ही ये पूरा निकल आता है। इस सीजन की पहला आम है, कुछ दिन बाद और भी बहुत अच्छे से निकल आएगा, ये निकल आया पूरा आम के अंदर जो है वो मुझे खोखला नहीं करना है, ऐसे रहेगा, ठीक है।
मैं एक और बना के दिखा रही हूँ, उसमें भी आपको समझ आ जाएगा। ये हो गया आम के अंदर, मैंने सारा ये निकाल लिया, इसका कोई अभी फंक्शन नहीं है। मैं अभी एक और बना के दिखा रही हूँ, उसमें भी समझ आ जाएगा कैसे करके करते हैं। अगर मैं ऐसे काट लिया, पहले ये काट लिया मैंने, अब इसको मैं थोड़ा सा ऐसे करके निकालते रहूंगी आम की, ठीक है। पूरा मेरा निकाला है ऐसे, मैं दो तीन आम जितने हैं मेरे पास सबको मैं ऐसे निकाल लूंगी। ये बन गया मेरा आम केसरिया के लिए आम की, बस इसमें मुझे सब चीज भरना है। ये बन गया मेरा आम केसरिया, ओके। अब मैं तीसरा आम भी बिल्कुल वैसे ही इसी एक ही जैसे करके करके निकाल लूंगी। ये मैंगो पल्प है, अगर आप चाहो तो इसको निकाल लो ऐसे करके पूरे, अगर चाकू से भी काट के निकालना चाहते हो वो भी काट सकते हो, लेकिन मैं हाथ से निकालूंगी क्योंकि बाद में इसे फिर से मैश करना ही है, तो मैं हाथ से करूंगी तो डायरेक्ट मैश होके निकल आएगा, ठीक है। ये मैंने निकाल के अलग से रखूंगी, अगर मेरा मन हो तो मैं देखूंगी इसकी टेस्ट कैसा है, मीठा हो तो ही मैं दूध में मिलाने की सोचना है, और अगर मीठी ना हो तो मैं नहीं मिलाऊंगी क्योंकि दूध फट जाएगा। तो पहले इसको आराम से निकाल के रखना है पूरे पूरे इसमें से गुठली से। मैंने सारी चीजें रेडी कर ली, दूध मेरा उस साइड हो रहा, अभी दूध गाढ़ा हो जाएगा, तो मैंने ये मिल्क पाउडर पूरा घोल के रखे है बहुत सारे। मैंने ये किशमिश को कट कर लिया क्योंकि पूरा पूरा किशमिश दो तो अच्छा नहीं लगता है, काजू को भी मैंने थोड़े से तोड़ के। ये है गरम दूध, इसमें मैं अभी डालूंगी मेरा फेवरेट केसर। ये केसर में दूध डाल के मैं इसको थोड़ा सा हिला के इसको ढक के रख दूंगी, 2 मिनट में इसका कलर निकल आएगा, बेहद खूबसूरत और बहुत सुंदर स्मेल भी है। तो ये मेरा और ये मैंगो मेरा रेडी है, मैंगो पल्प भी निकल के रखे, चीनी रेडी है, दूध थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए तो फिर मैं ये रेडी कर लूंगी। अब फाइनल टच है आम केसरिया, ये आम मैंने पहले ही बना लिए थे। ये मेरा केसर मिल्क, केसर के साथ मिल्क, इसमें काजू है, किशमिश है, अच्छे से गाढ़ी हो गया। फिर मैंने इसको रूम टेम्परेचर में, नॉर्मल टेम्परेचर में, हल्का ठंडी हो गई है क्योंकि ये डीप फ्रिज में जाएगा तो ठंडा होना जरूरी है। अब मैं इसमें धीरे धीरे डालूंगी ये जो मैंने मिल्क बनाया, ठीक है। ये डाल दिया मैंने, हरदम याद रखिएगा क्योंकि ये डाल गया। अब ऐसी किसी चीज में बैठाना है क्योंकि डीप फ्रिज में रहेगा तो ये गिरे ना, कम से कम जब तक ये जम जाए। तो मैंने इसको फिर से अपनी ढक्कन से, शायद ये वाला होगा, ये वाला है नहीं, यही वाला, यही वाला, ये मैंने ढक दिया। ये बन गया मेरा आम केसरिया, अब ये मैं डाल दूंगी डीप फ्रिज में। डीप फ्रिज में डालने के बाद जो सीन होगा जब मैं निकालूंगी वो फिर से मैं दिखाऊंगी। तो मैं, मेरा ये बन गया आम केसरिया की सेकेंड स्टेप रेडी। हेलो एवरीवन, मैंने रोज की जो मैं वीडियोस डालती थी वो तो अब नहीं डालती हूँ क्योंकि रोज क्या दिखाऊँ, ये भी बात है। मैं तो रोज कहीं घूमने जाती नहीं हूँ इतना बाहर, और घर का तो मैं, मुझे खाना बनाना अच्छा लगता है, अच्छे अच्छे रेसिपी मुझे पढ़ना बनाना अच्छा लगता है, तो मैं वही करती हूँ।
तो अब मैंने डिसाइड कर लिया हफ्ते में एक दिन या दो दिन या 15 दिन में 3 दिन जो भी हो कुछ बनाऊंगी, वो मैं वीडियोस बनाऊंगी ऐसी। बाकी सिर्फ कुकिंग नहीं, मुझे और भी बहुत सारे चीज़ अच्छा लगता है। जैसे मैं पेंटिंग करती हूँ, कभी कभी मैं स्टिच करती हूँ, कुछ भी बनाऊँ, वो सारे मेरी जो शौक है, मेरी जो मुझे जो करने में अच्छा लगता है, हमारे जगह भलो लगे, हमें से सब करब और से वीडियोस बनाब। ये सारे जो वीडियोस है ये मेरे अपने खुशी के लिए मैं बनाती हूँ, ऐसा नहीं कि बस मुझे व्यूज चाहिए। और वो जिनको अच्छा लगता है वो देखते हैं, जो जिसे पसंद है वो सब्सक्राइब किया, और जिसे कोई ऐसे भी है जो बस ऐसे लाइक कर देते हैं, सब्सक्राइब कर रखा होगा, तो मुझे कुछ नहीं, मैं अपने खुशी के लिए बनाती हूँ और मैं खुशी के लिए हमेशा बनाऊंगी, अपने लिए बनाती हूँ, अपने लिए और भी बनाऊंगी, तो उसमें मेरे कुकिंग भी होगा और पेंटिंग भी होगी, और जो मुझे जैसे मुझे अच्छा लगे, जो मुझे पसंद है वो करूँगी। तो आज मैंने फिर से एक वीडियोस बनाया और वो मैं फिर से डाल रही हूँ, वो है आम केसरिया। अभी आम की सीजन शुरू ही हुआ है तो इतना अच्छा आम तो मिल नहीं रहा मार्केट में, खूब भालो आम ना एक टू टॉप खट्टा होए, और मैक्सिमम अमर मन है कार्बाइड वाला ही होंगे, ऐसा मतलब ऐसा नहीं कि अभी आम इतने अच्छे आए हैं। फिर भी मुझे ये बनाना था नवरात्रि में, तो नवरात्रि स्पेशल के लिए आम केसरिया मैंने बनाया आज, और वो मैंने आज वीडियोस भी बनाए। लास्ट मैंने कब बनाया था मैं शायद भूल गई, 10-12 दिन हो गया होगा। तो जो आम केसरिया बनाते टाइम जो चीज़ बच गया था मैंने उससे भी कुछ बनाया, तो वो आज नहीं, कभी और दिखाऊंगी कैसे बनाए वो, तो बहुत इजी चीज़ है। तो आम केसरिया आप सबको अच्छा लगेगा आई होप, और जो सब भलो लगे तो घरे बनाओ, बहुत ही ईजी प्रोसेस है, कोई भी बना सकता है, कुछ उसमें ज़्यादा खर्च बात तो है नहीं है, लेकिन गर्मी के लिए बहुत अच्छी है। बच्चे लोग को बाहर से हम आइसक्रीम खरीद के देते तो हम घर में बना सकते हैं, तो ये आम केसरिया के लिए मैंने आज जो प्रोसेस बनाया, जो जो किए सब इस वीडियोस में है, आप सब देखिए, हमें बताइए कमेंट्स में कि कैसा लगा, और बनाइए खाइए। तो नवरात्रि स्पेशल आम केसरिया आज मैंने बनाया सबके लिए, और बस आगे देखते रहे, और भी बहुत कुछ बनाऊंगी धीरे धीरे। ये था मेरी नवरात्रि स्पेशल आम केसरिया। तो केसरिया आम को मैंने कल जब फ्रिज में डीप फ्रिज में रखे तो ये अच्छे से अंदर से बन गया होगा। आज मैं इसे अभी इसकी पहले मैं साफ करके इसकी पूरा सा पील ऑफ छिलका निकालना है, तो हो सकता है कि आपके हाथ पे हाथ ठंडा हो जाए, इसलिए मैंने अच्छे से पकड़ने के लिए नैपकिन के ऊपर रखा है, और बहुत आसानी से ये छिल का निकल जा रहा है। ऐसे पूरे आम को छिलका उतारना है। आम के पूरा छिलका निकालने के बाद मैं इसे बिल्कुल आराम से हाथों से ऐसे पीस पीस करके काटना है। एकदम आराम से ये कट हो गया, ठीक है। कटने के बाद ये जस्ट एंड वाला था, बन गया हमारी केसरिया आम। ये अंदर जो है ये दूध केसर है, और ये आउटसाइडर आम है। अब इसकी आप मजा लो, खाओ और सबको खिलाओ। तो यही हमारे अमर केसरिया आम। शुभ नववर्ष सवार जन्य, बांगला नववर्षर जन्य प्रथम दिन प्रथम मिष्टि हमार तरफ थे सवार जन्य। तो एखने तो शुद्ध शुभ नवरत्रि,
আমার বাঙালি বন্ধুদের জন্য, আমার বাঙালি আত্মীয় পরিজনদের জন্য, বাংলার জন্য কালকে শুভ নববর্ষ। আমি চাই সবার শুভ নববর্ষ ভালো যাক, নতুন বছর ভালো কাটুক, আর সবার জন্য আমার বানানো এই আম কেশারিয়া মিষ্টি মুখ করুক সবাই। সবার দিন ভালো থাকুক, বছর ভালো থাকুক, মাস ভালো কাটুক। আমার তরফ থেকে সবার জন্য আম কেশারিয়া দিয়ে শুভ নববর্ষের শুভেচ্ছা আর অনেক ভালোবাসা।